क्लास नाइन्थ टॉपिक चल रहा है गंगनाप। दो प्रश्न हैं। एक घनाभाकार पानी की टंकी 6 मीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और 4.5 मीटर गहरी है। क्या दिया प्रश्न में? टंकी की लंबाई दी हुई है, टंकी की चौड़ाई दी हुई है और टंकी की गहराई। अब गहराई मतलब क्या होता है? ऊंचाई। गहराई कहो चाहे ऊंचाई कहो, एक ही बात है। क्यों एक ही बात है? कोई व्यक्ति ऊपर खड़ा है और नीचे की ओर देख रहा है तो वो गहरा ही होगा उसके लिए। छत पे खड़े हैं अपन, अगर अपन हम छत पे खड़े हैं और नीचे सड़क पर देख रहे हैं, गली में देख रहे हैं, तो वो उसको बोलेंगे अपन गहराई। और उसी बिल्डिंग के नीचे खड़े हो गए ऊपर छत की तरफ देख रहे हैं तो वो होगी ऊंचाई। तो गहराई और ऊंचाई दोनों एक ही बात है, इसमें कन्फ्यूज नहीं होने आपको। गहराई का मतलब ऊंचाई होता है, ऊंचाई का मतलब गहराई होता है। इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? कितने लीटर पानी आ सकता है? कितने लीटर पानी आ सकता है? ये यहाँ पर क्षमता की बात कर रहे हैं। क्षमता कह दो चाहे मात्रा कह दो, क्षमता कह दो चाहे मात्रा कह दो, एक ही बात है। तो क्षमता मात्रा की जब बात आती है तो हम क्या करते हैं? आयतन ज्ञात करते हैं। क्षमता मात्रा की जब बात आती है तो आयतन ज्ञात करते हैं। तो आयतन में क्या क्या लेना है आपको? क्षमता मात्रा, द्रव्यमान, धारिता, बार, किलोग्राम। क्षमता मात्रा द्रव्यमान धारिता बार किलोग्राम, ये चीज़ें जब आती है वो आयतन के लिए आती है हमेशा। धारिता को आयतन ही बोलते हैं अपन, ठीक है। तो कितने लीटर पानी आ सकता है? क्षमता मात्रा की बात कर रहे हैं। क्षमता मात्रा की जब बात होती है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं? आयतन ज्ञात करते हैं। अगर ये कहता कि टंकी के सीमेंट करवानी है, सीमेंट कहाँ करवाते? पृष्ठीय भाग पर करवाते हैं। जब सीमेंट पृष्ठीय भाग पर कराते, अगर पृष्ठीय भाग पर कोई भी कार्य होता है तो उसमें क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं और क्षमता मात्रा द्रव्यमान धारिता बार किलोग्राम ये चीज़ें आती है तो आयतन ज्ञात करते हैं। तो आप पृष्ठीय भाग की बात कर रहे हैं, पृष्ठीय भाग में क्या करेंगे? अगर क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, सीमेंट के पेंट करवाना है, सीमेंट करवानी, कुंडी के सीमेंट करवानी है, कुएं के पेंट करवाना है टंकी में, तो ये चीज़ें किसके लिए? क्षेत्रफल के। पृष्ठीय भाग पर कोई भी कार्य होगा तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है और क्षमता मात्रा की बात होती है तो आयतन ज्ञात करना है। टंकी की लंबाई छह मीटर, चौड़ाई 5 मीटर, गहराई को चाहे ऊंचाई को चार पॉइंट पाँच मीटर हो गया। अब इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है? क्षमता मात्रा की बात करें, आयतन ज्ञात करेंगे तो टंकी का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। टंकी का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई का छः इंटू पाँच इंटू चार पॉइंट पाँच गुणा कर लो, छः पंजे तीस, तीस इंटू चार पॉइंट पाँच गुणा कर लेते हैं, जीरो कट गए पॉइंट से,
हस्ते पंद्रह चौथी बारह तेरह हस्ते पंद्रह चौथी बारह तेरह 132-135 घन मीटर टंकी का तो कितना आया 135 घन मीटर है। इसने पूछा है लीटर में, क्या पूछा है लीटर में, तो एक घन मीटर बराबर हमेशा क्या होता है 1000 लीटर। एक घन मीटर बराबर क्या होता है, एक घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है। चूंकि एक घन मीटर बराबर कितना होता है 1000 लीटर, कितना घन मीटर आया 135, घन मीटर बराबर 1000 × 135 135,000 लीटर कितना आएगा 135,000 लीटर। एक घन मीटर में, एक घन मीटर में क्या होता है, एक घन मीटर में 1000 लीटर होता है। एक घन मीटर में क्या होता है, एक घन मीटर में 1000 लीटर होता है। तो कितना घन मीटर है 135, तो क्या हो गया 135 × 1000 कितना हो गया 135,000। ध्यान रखना क्षमता, मात्रा, द्रव्यमान, धारिता, भार, किलोग्राम, ये चीज़ें आती हैं तो किसके लिए आती हैं, ये चीज़ें आयतन के लिए आती हैं। और पृष्ठीय भाग पर कोई भी कार्य करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। पृष्ठीय भाग पर टंकी के सीमेंट करवानी है, टंकी के पेंट करवाना है, टंकी के रंग करवाना है, मरम्मत करवानी है, तो पृष्ठीय भाग पर काम होगा, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। लेकिन जैसे ही उसकी क्षमता मात्रा की बात करनी हो तो उसमें आयतन ज्ञात करते हैं। कमरा है, कमरे के पेंट करवाना है तो चारों दीवार पर कराएंगे, क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब कमरे में कोई सामान रखना है, कितना आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, आयतन ज्ञात करेंगे। तो डिपेंड करता है प्रश्न में आप प्रश्न ध्यान से पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। अगर प्रश्न ध्यान से पढ़ोगे तो सवाल करने में गलती नहीं होगी, वो आसानी समझ में आएगा। तो लीटर घन मीटर था, बदला लीटर में। ध्यान रखो एक घन मीटर में 1000 लीटर होते हैं, एक घन मीटर में क्या होता है 1000 लीटर, एक घन मीटर बराबर क्या होता है 1000 लीटर। तो आज के लिए इतना ही, कल करेंगे। धन्यवाद।